तभी लगे गुरुदेव आज हमारे को बहुत थकान लग रही है, शरीर बेकार लग रहा है, सिर दर्द हो रहा है, शरीर में बेकार बहुत कष्ट उत्पन्न हो रहा है। पीपल के पत्ते की 5 पत्ते पीपल के थाली के अंदर रखो और उस पे भोजन करो शंकर जी का, कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? एक बार जम के बोलिए, कुंद कैश्वर। कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर भोजन करना प्रारंभ करो। 15 से 20 मिनट लगते हैं, हमारे टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर दर्द बंद, शरीर कितना भी दुख रहा हो उसमें आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। कुंद कैश्वर महादेव का नाम सुख की अनुभूति कराता है, शरीर के रोग को मिटाने के। स्कंद पुराण कहती है जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहाँ से लिया वहाँ दिया, वहाँ से उठाया वहाँ दिया, वहाँ से उठाया वहाँ दिया, तो निवेदन है कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए, सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाए। रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ते, क्यों नहीं तोड़ते? हम एक साथ पली, एक साथ बड़ी हुई, एक साथ एक पौधे में लगी हुई थी, पर चीता के पल्लू से हमारी कुछ बहनें, कुछ दल जमीन पर गिर गए। जितना पुराना दीपक घर में रहेगा, या तो दो तीन दिए घर में कर लो, एक पीतल का, स्टील का, जिसका आपको लगाना हो, आपकी मर्जी, चांदी का, आदि का, आदि, पर उन दियों को बार बार नहीं बदलना। वो तीन दिए सालों साल चलना चाहिए, कम से कम 25-50 साल। उस दिए की इतनी महत्वता होती है कि घर में अगर कोई बड़ी बीमारी किसी को हो गई तो उसी दिए को धोकर उसका पानी पिलाना चालू कर दो, उस व्यक्ति को आराम लगना चालू हो जाता है। उस दीप का इतना कि शंकर भगवान को या देवताओं को जो पुष्प चढ़ता है, उस फूल को अगर कोई पेड़ पे से, डाली पे से तोड़ा जाता है तो नहाकर नहीं तोड़ते। भगवान को चढ़ने वाले पुष्प को बिना नहाए तोड़ा जाता है। तो एक निवेदन तो मैं इस व्यासपीठ से आप सबसे कर सकता हूं कि हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में जो आप लोग मशीन द्वारा नगाड़े बजाते हो और घंटी बजाकर मशीन से आरती करते हो, निवेदन है एक ढोल और दो मंजीरे तो सब मंदिर में बजा सकते हैं। एक ढोल दो जोड़ मंजीरे प्रत्येक शिव मंदिर में रखना चाहिए। और जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे निवेदन है, आप रोज मंदिर में जाकर आरती में नहीं खड़े हो सकते, उन बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे कम से कम सोमवार की सोमवार प्रदोष काल में जब सारे नगर की माताएं पशुपति व्रत करने शाम को आती हैं, उस समय पर देव अधिदेव महादेव की जब आरती हो तो आप ढोल बजाओ और मंजीरा बजा कर शिव जी की आरती। ये मशीनों से देवता की आरती का विधान किसी पुराण में नहीं लिखा गया।